गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी का फिजिकल ट्रेनर और साथ ही साथ दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी ना तो सिर्फ फिजिकली कराता है, साथ ही साथ आपकी कम्पिटिटिव की बेटर जो कि रिटर्न के लिए वो प्रिपेयर भी कराता है। साथ ही साथ ये फिजिकल विथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। आपको पता ही है क्योंकि आप जब रनिंग करके आते हैं कुछ कुछ ड्रिल एक्सरसाइजेस आप नहीं कर पाते, कुछ कुछ एक्सरसाइज आपके लिए कंपलसरी है, और आप जब रनिंग करके आते हैं आने के बाद कुछ एक्सरसाइज जो है आपको कर लेनी चाहिए, तो कि आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस ये होता है। जब भी आप इस चीज़ को आप करते हैं इसके लिए, क्योंकि आपको हर दिन का या तो हफ्ते में एक शेड्यूल रखने का ज़रूरी नहीं है पर्टिकुलर उस एक्सरसाइज के लिए। जैसे आपने बिफोर रनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लिए और साथ ही साथ आपने रनिंग के लिए निकल लिए, आप हफ्ते में इस तरह से शेड्यूल बनाते हैं जो कि एक एंडोरेंस शेड्यूल होगा, या तो किसी दिन आप स्पेस वर्कआउट करेंगे या तो किसी दिन आप जो कि स्पीड कैलकुलेशन करेंगे, मतलब स्पीड वर्कआउट, साथ ही साथ ड्रिल को भी फॉलो करते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन एक एक चीज़ को करते करते आपका क्या होता है, जो चीज़ आपका फोकस होता है वहाँ तक पहुँचने में आपका समय लग जाता है, और इसी समय को ना लगे तो आप इसी शेड्यूल को थोड़ा सा ही जल्द कंटिन्यूटी में उस शेड्यूल को करें। जैसे कि रनिंग के बाद पूरा एक जिसको बोलते हैं एक कॉम्बिनेशन ग्रुप एंड कॉम्बिनेशन में एक ट्रेनिंग को शेड्यूल को रख लें। कोई कोई इसको कंडीशनिंग ट्रेनिंग के नाम पे भी जानते हैं, मगर नहीं, इसको आपके जो कि हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ या तो आर्मी एयरफोर्स नेवी की बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसी की बात कर रहा हूँ। और इससे आपका बेनिफिट यह है जो आप जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। छोटी सी डेमो जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ उस डेमो को आप देखने का कोशिश करें, और साथ ही साथ किसी चीज़ को आपके मतलब इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए। कब लेके आए? जैसे कि रनिंग करके आते हैं, और रनिंग करके आने के बाद इस 3-4 शेड्यूल को आप रखेंगे, और रखने से आपका बेटर परफॉर्मेंस मैं उम्मीद करता हूँ, आपका मसल मस्कुलिंग स्ट्रेंथ, साथ ही साथ आपकी शरीर की इंडोरेंस, मतलब आपकी जो इंडोरेंस स्टेमिना है, और साथ ही साथ वर्क ड्रिल एक्सरसाइज जो कि आपकी स्पीड, ये आपको कैलकुलेट करने में सहायता करेगा और आप एक बेहतरीन धावक बन के रहेंगे। सो दैट लेट्स स्टार्ट। एक लेग वर्कआउट शुरू करेंगे, यहाँ से 4 लड़के वहाँ पे पीछे, जो कि आप जैसे ही आते हैं रनिंग करने के बाद तो फर्स्ट ड्रिल एक्सरसाइज जो है आप सिंपली आप जिस तरह से स्ट्रेट लेग फॉरवर्ड करते हैं आप उसी तरह से स्ट्रेट लेग फॉरवर्ड कीजिए। स्टार्ट हो रेडी, आप 1 2 एक एक दो एक रेडी स्टार्ट हर एक ड्रिल इसमें 2 या तो 3 पार्ट में करने का कोशिश करेंगे, और इसको 20 मीटर से 25 मीटर के बीच में इसको समाप्त करने का कोशिश करेंगे। मिनिमम आपकी 15 से 20 मिनट तो मीटर तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट ड्रिल एक्सरसाइज जैसे ही आते हैं तो जस्ट आपकी पैर का लेग्स स्प्लिट साफ 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्ट आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टार्ट एक्सरसाइज। देन आप चेंज 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 इसी तरह से सिंगल लेग करेंगे, उसके बाद फिर मतलब अल्टरनेट लेंगे। रेडी स्टार्ट, जल्दी से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
कितने 10 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्रॉस, 10 क्रॉस आप, अरे चढ़ा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। नेक्स्ट ड्रिल एक्सरसाइज, देन स्टैंपिंग एंड फॉरवर्ड। जैसे कि आपने हाई नी स्किप किया तो आपने पकड़ के हाई नी स्किप करना है, और उसके बाद जैसे कि आपने चेंज चेंज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्ट। और ऊपर
और ऊपर का हाफ चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह वेरी गुड स्टॉप देन चेंज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अप स्टार्ट एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ नौ दस नेक्स्ट ड्रिल जो है आपने क्या करना है जो सिर्फ आपने एंकल को टचअप करना है जैसे कैसे ये भी हाई नी स्किप है क्योंकि आपका पैर ऊपर तक उठाना है हाई नी आपको हाई नी रनिंग नहीं बोल रहा हूँ देन अभी आपने हाई नी वॉक करना है हाई नी वॉक हाई नी रनिंग अलग है हाई नी वॉक देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स शैप चौंगा स्टार्ट सही करो हाथ को सही करो चार पांच सिक्स छः सात आठ नौ स्टॉप नेक्स्ट जो आपने हाई नीज करे अभी आप हाई नी रनिंग करेंगे हाथ को लॉक करेंगे और हाई नी रनिंग यस समझना स्टॉप आपने जस्ट सेम क्योंकि आपको थाई मसल और आपको आपका पैर जितना ऊपर तक उठेगा आपके लिए उतना ही बेनिफिट सो दैट इसके बाद देन क्रॉस अप ड्रिल जैसे कि आप स्किपिंग अप करते हैं तो स्किपिंग अप में देन आप स्किपिंग अप देन आपके पीछे का पैर जो आपके पीछे का जो पैर है आपकी बम्प के साथ लगनी चाहिए आपकी जो बम्प है इसके साथ पैर लगनी चाहिए जो कि बट किक है मगर आपने स्विंग अप करना रेडी चंड एक्सरसाइज शुरू कर एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह वेरी गुड स्टॉप नेक्स्ट आपकी आप सीधे खड़े होंगे और सेम आपकी नी हाई तक जाएगा और बॉडी को टच करेगा देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चार जंप कर रहे हैं और जंप करके देन चेंज देन ऊपर तक उठेंगे एक दो तीन देन जंप और पीछे तक खड़े स्टार्ट एक दो तीन तीन एक एक दो तीन पीछे तक जाएगा दो तीन वेरी गुड और ऊपर दो तीन एक दो तीन एक दो तीन वेरी गुड स्टार्ट तक आपकी पैर क्या होनी चाहिए उठने चाहिए खड़े स्टार्ट आप वेरी गुड और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर वेरी गुड स्टॉप पूरा बॉडी लिया देन चेंज आप देन ऊपर उठा देन पूरे और पूरे आप चेंज वेरी गुड पूरा ऊपर लेट क्यों हो रहा ऊपर वेरी गुड स्टॉप यहीं से बैक एक मिनट खड़ा जाओ सामने बैक पैर देखो पैर को लेके आओ पैर ऊपर उड़ाओ पैर ऊपर वेरी गुड स्टॉप दौड़ के प्लेट साथ में अरे धन रहने यस And speed up! Yeah! Yes! Come on! Come fast! Exhaust! Crossing! Speed up! Running stage! Speed up! Speed! Stop! Yes, Sri Vivek! 1, 2, 3, 4! 2 kadam aage! Stop! This time! Now done! Stop! Speed! Push starting! Push kadam!
स्पिन डाउन दौड़ के कदम तार एक दो 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 तीन दो चार दो पांच दो छह दो सात दो आठ दो नौ दो दस दो ग्यारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह वेरी गुड स्टॉप पीछे हाथ वेरी गुड एडवांस क्लोज धीरे धीरे एक साथ एक लाइन 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 वेरी गुड स्टॉप पीछे एक साथ एक लाइन एक साथ एक लाइन एक साथ एक लाइन एक साथ एक लाइन वेरी गुड ये वेरी गुड नो छोटा छोटा फ्रॉग जाम पता है ना छोटा फ्रॉग जाम एकदम छोटा बैंक का बच्चा वो जैसे करता बड़ा बैंक की तरह नहीं वेरी गुड अरे मेडक चाल वेरी गुड छोटा छोटा वेरी गुड देन पीछे की तरफ यस वेरी गुड स्टॉप पार्ट बहुत है क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में आपको लेके आना है और भी काफ़ी सारे हैं जो कि आपने कंटिन्यूस ड्रिल को करना है प्रीवियस वीडियो भी मैंने दे के रखा हूँ और प्रीवियस वीडियो में से ये सब वर्कआउट को भी आफ्टर रनिंग के बाद लेके आइए आप लेके आइए और देखिएगा आपसे बेटर रनर नहीं हो सकता क्योंकि जिस ग्राउंड में आप दौड़ेंगे वहाँ शेर आप ही बनेंगे दहाड़ आप ही लगाएंगे और आप ही वहां का विनर होंगे दैट्स मीन आप ही सिकंदर मेरे जो ड्रिल या तो वर्कआउट सेशन आज यही समाप्त करता हूं जो कि रनिंग के बाद आपको इसके बाद आपने स्ट्रेचिंग करना है जो कि आफ्टर रनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आफ्टर रनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आपको वीडियो में दिया हुआ है उसको आप फॉलो कीजिए देखिएगा आप शेर तो दूर की बात है शेर का भी शेर बनेंगे और बब्बर शेर बनेंगे सो दैट मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं सो दैट जय हिंद एंड जय भारत थैंक यू वेरी मच